हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग कुछ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो हमने थियरी लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी उसके बेस पर इलस्ट्रेशंस 1.6 एंड 1.7 सॉल्व करेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि एक जनरल लेवल पे हम उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे डाइव इन टू द क्वेश्चंस। सो इलस्ट्रेशन 1.6 ऑफ NCERT में आपको कहा गया है कि अगर सपोज इफ यू हैव अ ट्राइंगल विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और हर एक ट्राइंगल की जो लेंथ है दैट इज एल और हर एक ट्राइंगल पे कुछ ना कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, सारे चार्जेस सेम है, राइट। लेट अस से द चार्जेस आर Q1, Q2 एंड Q3 जिनकी जो मैग्नीट्यूड्स है वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है, Q एंड Q, फाइन। अब आपको ये पूछा है कि सेंटर पर जो एक कैपिटल Q चार्ज है उसके ऊपर इन सब की वजह से राइट क्या फोर्स लगेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि इसकी वजह से और इसकी वजह से ये सेंटर वाले चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। सो जनरली अगर देखा जाए तो F जो होता है फोर्स इज इक्वल्स टू F1, लेट अस से इसको हम कह देते हैं फोर नाम देते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑन फोर नंबर का चार्ज हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स ऑन फोर नंबर का चार्ज ड्यू टू वन नंबर का चार्ज प्लस फोर्स ऑन फोर नंबर का चार्ज ड्यू टू टू नंबर का चार्ज प्लस फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। तो क्योंकि तीन चार्जेस है यहाँ पर, दैट इज 1, 2 एंड 3, तो तीनों सेंटर वाले चार्ज को फोर्स लगाएंगे, एक ऐसे लगाएगा, एक ऐसे लगाएगा और एक ऐसे लगाएगा, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस का एडिशन जो होगा वो आपको क्या देगा, तो वो फाइंड करना है। तो बच्चों अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशंस ही घुसाओ। कभी कभी क्या होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस अगर आर है ना, अगर मैं बात करता हूँ ये डिस्टेंस की, ये भी अगर आर है और सॉरी लेट अस टॉक अबाउट दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी अगर आर है, तो ये तीनों डिस्टेंस अगर आर 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 है तो मुझे पता है कि इनके बीच का जो फोर्स है दैट इज़ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसके बीच का फोर्स है वो भी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों के बीच का फोर्स है वो भी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक सिमेट्री फॉलो हो रही है, आप देख रहे हो कि अगर सेंटर वाले क्यू पे मैं बात करूँ तो ये जो फोर्स लगने वाला है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगने वाला है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक फोर्स जो है वो नीचे लगने वाला है जो कितना होगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं बच्चों बात करता हूँ इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक फोर्स जो है वो यहाँ पर लगने वाला है, फाइन, वो भी कितना होगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अब बच्चों अगर हम थर्ड फोर्स की बात करें तो इसकी वजह से लगने वाला है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो हम इसको भी कह सकते हैं के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो पता है आयरनी क्या है, लैमिस थियरम हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में, तो अकॉर्डिंग टू गाइज लैमिस थियरम अगर एंगल्स जो है वो सबके सेम है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है और 120 डिग्री है और फोर्स भी अगर सेम है सारे, तो इसका अगर आप नेट फोर्स फाइंड करते हो तो वो ज़ीरो होगा। समझो, एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि आपने कोई एक बॉडी को यहाँ पर एक जन खींच रहा है यहाँ से 100 न्यूटन के फोर्स से, एक जन यहाँ से खींच रहा है 100 न्यूटन के फोर्स से और एक जन यहाँ से खींच रहा है 100 न्यूटन के फोर्स से, तो क्या ये बॉडी जो है वो मूव होगी, नहीं होगी। तो बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तीन ही फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स भी लग रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ की अगर मैं बात करते हैं, हम लोग अगर इसकी बात करते हैं कि ये पॉइंट है, एक के ऊपर यहाँ पर लग रहा है फोर्स, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है फोर्स, यहाँ पर लग रहा है फोर्स, यहाँ पर लग रहा है फोर्स, अगर फोर्स सेम है और एंगल बिटवीन टू फोर्सेस भी 90 90 90 एंड 90 सारे सेम है तो इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा,
नॉट ओनली अप टू दिस, ये लिमिटेड टू दिस नहीं है। यहाँ पर अगर आप एक और फोर्स एफ़ लगाते हो, 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 यहाँ पे सिमेट्री मेंटेन हो रही है, राइट। तो बच्चों सिमेट्री अगर मेंटेन होगी तो अगर ये फोर्स भी एफ 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 है तो इस केस में भी एफ नेट आपका जीरो होगा। इस क्वेश्चन को मैं और तरीके से आपको बता सकता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, बीच में पूछा हुआ था कि एक क्लॉक है, ठीक है, और वो क्लॉक के सारे जो नंबर्स है, ठीक है, फ्रॉम 12 टू 3 टू 6 टू 9 और उनके बीच वाले भी सारे, ठीक है, इन सब पे चार्जेस रखे हुए हैं जो इक्वल चार्जेस हैं। तो सेंटर के ऊपर जो कैपिटल क्यू चार्ज रखा होगा, राइट, उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो गाइज हियर ऑल्सो आंसर विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये सारे जो चार्जेस है, ठीक है, ये सारे चार्जेस इक्वल है और सेम सिमेट्री है, उनके बीच के एंगल्स भी कैसे बच्चों सेम है, सो दैट्स वाई उनकी वजह से जो नेट फोर्स लगेगा बच्चों वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एफ नेट विल बी ज़ीरो। तो वही रीज़न हम यहाँ पर दे सकते हैं, सिंस फोर्सेज आर इक्वल एंड एट एन इक्वल एंगल फ्रॉम ईच अदर द नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख लो, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, सिंस फोर्सेस आर इक्वल एंड एट एन इक्वल एंगल फ्रॉम ईच अदर एंड एन एट एन इक्वल एंगल फ्रॉम ईच अदर, सो नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, नेट फोर्स विल बी जीरो, फाइन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा डिफरेंस आएगा। एग्जाम्पल 1 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इज एग्जाम्पल 1.7। अब ये एग्जाम्पल 1.7 में बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ट्राइंगल ही दिया हुआ है आपको, ठीक है, देर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली, लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क है, कुछ एक डिफरेंस है। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, चलिए देखते हैं कि डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये कहा है कि इसका चार्ज जो है वो क्यू है, नो डाउट, इसका चार्ज भी क्यू है, इसका चार्ज भी क्यू है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन ये जो ऊपर वाला चार्ज है वो नेगेटिव है। वो कैसा है? नेगेटिव है। अच्छा, सबके डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, एल एल एल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से हर एक एंगल भी कितने होंगे, 60 डिग्रीज होंगे। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड इज व्हाट वुड बी द फोर्सेस ऑन ईच चार्ज ड्यू टू द अदर टू। अगर मैं इसको आपको ये कहूँ कि चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट अस से दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू, दिस इज क्यू थ्री, सारे चार्जेस जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन एक वाला ऐसा है जो अपोजिट। सो यहाँ पर हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन वन, लाइक फर्स्ट चार्ज, जो हमें कैसे मिलेगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू प्लस फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ थ्री। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो आप देख सकते हो कि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, राइट, ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसे अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। अब दूसरा अगर मैं आपको देखूँ तो आपको एनालाइज भी करना है, मतलब चार्जेस भी देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो आप देख सकते हो ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज को ये भी यहाँ पर अट्रैक्शन करने वाला है, फाइन। तो यहाँ पर दो चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाले चार्ज को, तो हम अगर फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना चाहे तो सेम मैग्नीट्यूड का बनेगा, तो मैं उसे एफ़ कह दूंगा, मैं उसे कैलकुलेट नहीं करने वाला, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, तो इस तरह से होगी, दिस इज कॉल्ड वन एफ एंड दिस इज कॉल्ड अनदर एफ, और इनके बीच का अगर हम एंगल देखें तो 60 डिग्री है, और क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना बहुत अच्छे से आता है ना, इसमें आपको वेक्टर्स की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं कि एफ वन टू का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो हमें मिलेगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 इज़ 1/2, सो दैट इज़ इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर बाई टू, राइट, टू टू विल बी कैंसल्ड आउट, तो आपको मिलेगा यहाँ पर एफ इंटू रूट थ्री, या तो रूट थ्री एफ हम कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला जो था फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू एंड थ्री, वो हमें मिल गया।
सो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन प्लस फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ थ्री एंड दैट विल गिव यू फोर्स ऑन चार्ज टू. ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज टू फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि सेकेंड वाले पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. तो ड्यू टू वन जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो ऐसे लगेगा अट्रैक्टिव. ठीक है, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये ऐसे रिपेल करेगा. ठीक है, ऐसे धक्का मारेगा. तो एक धक्का मारने वाला फोर्स, एक ऐसा फोर्स, ये दो फोर्सेस लगने वाले हैं ना. तो चार्जेस को देखकर डायरेक्शन की पता चलती है फोर्स कहाँ पे लगेगा. तो चलिए मैं पहले ग्राफिकली आपको बता दूँ कि कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, मतलब बी वाला चार्ज, तो उस पर लग रहा है. एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ, और उनके बीच का ये जो एंगल है, क्योंकि आप सब जानते हो ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 120 डिग्री होगा, है ना. तो यहाँ पर भी हम अगर वेक्टर एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्टेंट ये वाला फोर्स मिलता है. ठीक है, तो चलिए इसका वेक्टर एडिशन निकालेंगे. फोर्स टू क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 120. कॉस 120 इज माइनस 1/2, तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर इंटू माइनस 1/2. सो टू टू विल बी कैंसल्ड आउट, यू विल बी गेटिंग टू एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर विच इज नथिंग बट एफ. तो हमें इसका फोर्स भी पता चलेगा कितना है एफ, राइट. कितने एंगल पे लगेगा वो भी आप निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो. तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करके आप निकाल सकते हो आसानी से. तो चलिए सो ग्राफिकली भी हम लोग करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट. सी वाला पोर्शन हम देखेंगे ना. सी वाले पे कौन से चार्जेस लगने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं. तो सी वाले पे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये सी वाला जो है वो पॉजिटिव है, फाइन. उससे माइनस वाला जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे एक फोर्स माइनस वाला लगाएगा, और ये जो प्लस वाला है वो उसको ऐसे फोर्स लगाएगा. ठीक है, रिपल्सिव फोर्स. तो एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, तो नेट फोर्स जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा हमें, फाइन. तो चलिए देखते हैं, लेट अस सी. तो बच्चों उस पर जो फोर्स लगेंगे सी वाले पर, तो एक लगेगा इस डायरेक्शन में, वो एफ जितना ही होगा. अच्छा, सारे फोर्स एफ जितने ही है क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, 60 डिग्री है. और एक धक्का मारने वाला फोर्स यहाँ पर लगने वाला है, वो भी एफ है. ठीक है, तो आपका जो नेट फोर्स है वो कुछ यहाँ पर लगेगा, और ये एफ नेट कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं आसानी से. तो अंडर रूट ऑफ अगेन एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 120, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है एफ थ्री इज इक्वल्स टू एफ जितना ही आने वाला है. और ये हमने जो एफ थ्री वैक्टर फाइंड किया वो फाइंड किया एफ थ्री ड्यू टू वन प्लस एफ थ्री ड्यू टू टू, फाइन. तो चलिए यहाँ इतनी चीज़ें हमें पता चल गई. अब बच्चों मैं सारे फोर्सेस को एक साथ रखने वाला हूँ. ठीक है, चलिए देखते हैं हम सारे फोर्सेस को एक साथ रखेंगे. तो ये हमारा ट्रायंगल था, और चार्ज वन, चार्ज टू, चार्ज थ्री. ठीक है, ध्यान देना, इस पर नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगा था रूट थ्री एफ, है ना. इस पर एक ऐसा लगा था, एक ऐसा लगा था. तो उनका अगर हम देखना जाए तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐसा लगा था एफ. ओप्स, ठीक है. फिर हमने देखा कि इस पर एक फोर्स ऐसे लगा था और एक फोर्स जो है वो ऐसा लगा था. ठीक है, और इसका भी अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो आपको रिजल्टेंट फोर्स भी ऐसे मिला था. ठीक है, और इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक ऐसे लगा था, एक ऐसे लगा था. और अगर हम देखा जाए तो थोड़ा छोटा मैग्नीट्यूड में लेते हैं, ऐसे लेते हैं, और उनका जो रिजल्टेंट है वो ये आया था. ठीक है, तो सबका रिजल्टेंट मैं बता दूँ, इसका रूट थ्री एफ आया था, इसका एफ आया था, और इसका एफ आया था. अगर यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताऊँ कि इस वाले जो फोर्स को मैं उठाकर अगर यहाँ पे रखूँ, ठीक है, अगर यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इन दोनों फोर्स के बीच का, वो आपको 60 डिग्री मिलता है. कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो इसके पैरेलल है. ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पर
इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे भी उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख रहा हूँ। ध्यान से देखना बच्चों सभी, और इसे उठाकर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब मैं इन तीनों का नेट फोर्स निकालता हूँ, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, और अगर इसका आप नेट फोर्स निकालते हो, मुझे इन तीनों फोर्स का ऐड करना है, तीनों फोर्स का एडिशन करना है, बहुत अच्छी सी चीज़ बताऊँगा लास्ट में, देखना। तो इन तीनों फोर्स का हम एडिशन करेंगे, तो इसका 60 डिग्री वाला निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी रूट थ्री एफ। तो यहाँ पर ये जो फोर्स आपको मिल रहा है बच्चों, वो रूट थ्री एफ जितना है, और आप देख सकते हो कि ये जो रूट थ्री एफ है वो, और ये जो रूट थ्री एफ है वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो टोटल नेट फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, वो हमेशा आपका ज़ीरो आता है। इसका रीज़न क्या है? तो बच्चों जब भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है नहीं, चार्ज अंदर अंदर सिस्टम में फोर्स लगा रहा है, और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से, तो आपको रिजल्ट में कोई फोर्स का इफेक्टिव या नेट वैल्यू नहीं मिलेगी। अंदर के फोर्सेस जो होते हैं वो कभी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करते। अगर आप देखा जाए तो ये तीनों चार्जेस, तो आप लोग कहोगे कि सर ये तीनों चार्जेस जो है उन पे फोर्स लग रहे हैं, तो अंदर अंदर मोशन तो करेंगे ना, मोशन करेंगे, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करेगा, उनका सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो वैसे देखा जाए तो सिस्टम पूरी कभी मूव नहीं कर रही, तो सिस्टम पूरी पे कभी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, उस पे पूरा नेट फोर्स जीरो है, समझ रहे हो? तो वो अंदर अंदर आ रहे हैं लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, सिस्टम पूरी मूव नहीं कर रही है, एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है लेकिन पूरी सिस्टम पे फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर देखा जाए, मैं आपको ये कहूँ कि चलिए ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, वैसे ही ये बॉडी यहाँ पर आई, तो इस पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पर है, और देखा जाए तो इस पूरी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी यहाँ पर है, तो मोशन तो हुआ, ये यहाँ से यहाँ पर आया, लेकिन सेंटर ऑफ मास में मोशन नहीं हुआ क्योंकि सारे फोर्सेस इंटरनल है, एक दूसरे को सब खींच रहे हैं। फाइन, जैसे एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो उसमें भी देखा जाए तो फोर्सेस लगते हैं, है ना, टुकड़ों पे फोर्सेस लगते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं करता। अगर सारे बॉम्ब के टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाए तो वहीं पर होता है जहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंजर्वेशन प्रिंसिपल दैट एग्जिस्ट इन द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये बहुत अच्छे से हमें पता चल गए, सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किए, फाइन। एंड ये 1.6 1.7 आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली 1.7, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बेस पर, फाइन। तो बच्चों हमने क्या देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर आप कूलम्स लॉ ही लगाओ, ठीक है, कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं, और एनालिटिकली क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हमने क्या क्या किया, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें क्या थी, तो हमने पहले ये देखा कि इन पे फोर्स जो है वो सेम ही लगने वाले हैं, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम होगा, इस पर फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा, इसका फोर्स लगेगा वो भी सेम होगा, और डायरेक्शन के लिए चार्ज का सिंबल इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव देखकर फिर डिसाइड किया फोर्स कहाँ लगने वाला, तो आपको वो भी नोट करना रहता है, ठीक है। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।